अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। रमजान ईद निमित्त नुराणी मस्जिद जामनेरपुरा या ठिकाणी हिंदू मुस्लिम बांधवांचा एकत्रित ईद मिलन व शीरखुर्म्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला हिंदू मुस्लिम बांधवांनी एकत्र येऊन एकमेकांना शुभेच्छा देत शीरखुर्म्याचा आस्वाद घेतला। आज जामनेरपुरा पर जिस तरीके से ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया है, ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि पूरे पर और पूरे शहर के तकरीबन तमाम ही जो है तो लेवल के लोग यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ईद मिलन के प्रोग्राम में शिरकत की और न सिर्फ जो है तो ईद की खुशियाँ बांटी, बल्कि वाकईतन उनके चेहरों पर जिस तरीके से ही खुशी दिखाई दे रही है, ये इस बात की अलामत है कि हमारे दिलों के दरमियान आज भी जो है तो इंसानियत बाकी है। हम में मोहब्बत की जिस तरीके की एक चाहत है, ये चाहत कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। इंसान इंसानियत से है, अगर इंसान में इंसानियत बाकी नहीं है तो वो इंसान नहीं है। अल्लामा इकबाल ने इसके पहले भी एक शेर कहा था कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे किर्रोबियाँ। किर्रोबियाँ मतलब वो फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत में 2400 घंटे मौजूद हैं। तो इंसान के दिल में अगर दर्द नहीं है तो वो इंसान नहीं है। इस दर्द के लिए ही तो अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, वरना इबादत के लिए तो उसने जो 18,000 मखलूकात पैदा की हैं इस्लाम के कायदे के और इस्लाम के उसूल के और इस्लाम के जो मानी जाने वाली जो है तो रिवायत के मुताबिक, तो वो 18,000 मखलूकात तो पहले ही उसकी इबादत करती है, मगर ये इंसान जो अल्लाह की खिलाफत के लिए इस दुनिया में आया है कि रब के बाद इंसान का इस ज़मीन पर जो है तो सबसे बड़ा दर्जा है। और ये जो 18,000 मखलूकात, ये दुनिया की जो चमक दमक है, ये जानवर, ये परिश्ते, ये फरिश्ते, ये पहाड़, ये आसमान, ये रंग जितने हमारे दुनिया में मौजूद हैं और ये ढंग जो हमारे सामने मौजूद है और ये मनाजिर, ये सब के सब इंसान की भलाई के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। और इंसान क्या है? इंसान अल्लाह की तरफ से उसकी खिलाफत को राइज करने के लिए दुनिया में भेजा गया। और अल्लाह की खिलाफत क्या है? अल्लाह का हुक्म क्या है? अल्लाह का वस्फ क्या है? अल्लाह का वस्फ है रहमान। वो रब है लेकिन रहमानी, रहम करना, मोहब्बत करना, लोगों को चाह यानी अपनी जो है तो अच्छाई लोगों के अंदर कायम करना, इसके लिए जो है तो अल्लाह वो रब, उसकी जो 99 सिफात हैं उसमें से एक सिफत ये है। और ये सिफत अगर इंसान अपने अंदर उतारे तभी जो है तो इस दुनिया के अंदर अमन, अदल, इंसाफ, मोहब्बत और यगानगत कायम होगी। अगर हमारे दरमियान से अदल निकल गया, हमारे दरमियान से मोहब्बत निकल गई, हमारे दरमियान से हमदर्दी निकल गई, तो ये दुनिया रहने लायक नहीं होगी। इसके पहले हज़ारों मरतबा ऐसा हो चुका है और इसके बाद भी होता रहेगा। अगर इंसान अपनी इंसानियत से हटा तो दुनिया में क़यामत आ जाएगी। और क़यामत के आसार वही है कि इंसान इंसानियत का दुश्मन है। और ये इंसान इंसानियत का जब दुश्मन होता है तो इसको पहाड़ से अल्लाह के अज़ाब आने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि ये ख़ुद एक दूसरे की जान के दुश्मन होंगे और एक दूसरे को ख़त्म करेंगे। आज ईद का यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम यहाँ मौजूद हैं, जिस तरीके से हम यहाँ पर बैठ कर के ईद के मौके को आपस में बांट रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो है तो ये अमन की फ़ज़ाएँ, ये मोहब्बत की फ़ज़ाएँ चला दे और हर दिल जो एक दूसरे से दूर जाना जा सकता है उसको अल्लाह एक दूसरे के करीब कर दे और मेरे मुल्क में अमन अमान की फ़ज़ा कायम हो जाए। मेरे मुल्क में जो है तो शांति हो। मेरे मुल्क में कोई गरीब किसी अमीर से ना डरे। मेरे मुल्क में कोई अमीर किसी गरीब का दुश्मन ना हो। मेरे मुल्क में कोई भी ताकतवर इंसान जो है तो किसी कमज़ोर का जो है तो हाकिम ना बने। मेरे मुल्क में जो है तो कोई भी बेहोश आदमी किसी होशमंद का गुलाम ना हो। अल्लाह सबको जगा दे और अल्लाह सबको जो है तो बरकत दे। इसी के साथ ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने वाले तमाम लोग, जिसमें सुफियान भाई हैं और भी लोग हैं जिनका मैं चैदा नाम नहीं ले सकता, मौलाना हैं इस इलाके की जो मस्जिद के इमाम हैं, इन सब का मैं शुक्र अदा करता हूँ और इनके लिए भी नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो है तो इनके साथ भी बरकत का मामला करे। आमीन। या बातमीत इथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा। तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN न्यूज ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।